सत श्री अकाल जी, फतेह मीडिया 5 सुन ते देख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ प्रभ सिद्धू ते नजर मार लैने आ अज दीआं कुछ खास खबरां ते। तीन स्टेटां दे विच जिहड़े इलैक्शन ने ओह होए ने। सो जेकर त्रिपुरा चोणां दी गल करिए तां भाजपा ने गठजोड़ ने 31 सीटां ने जिहड़ियां जित्तियां ने। सो प्रधानमंत्री ने धन्नवाद भी कीता है। उधर दूजे पासे गल करिए असाम की, तो असाम के मुख्यमंत्री ने जिहड़े हिम्मत बिश्वा उन्होंने ट्वीट किया कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने जिहड़े कॉनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह नूं फोन करके नवी सरकार बनाने के लिए समर्थन है जिहड़ा वह मंगे है। सो भाजपा प्रधान JP नड्डा ने मेघालय भाजपा इकाई नूं मेघालय में अगली सरकार बनाने के लिए NPP का समर्थन करने की जिहड़ी सलाह है वह दिती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को G20 देशों तो ग्लोबल चुनौतियों से आम सहमति बनाने ते भू राजनीतिक तनाव ते मतभेदों नूं समुचे सहयोग नूं प्रभावित ना होने की अपील की है। सो इस मौके दस दिए कि G20 सम्मेलन है जिहड़ा वह इस मौके शुरू है जिहड़ा हो चुके है। सो इतें गल सब तो वध है जिहड़ी एकजुटता की गई है। प्रधानमंत्री का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों के नाल जेकर असीं लड़ना है तो सानूं एकजुट है जिहड़ा वह होना पएगा। सो यूक्रेन ते रूस के विचकार जिहड़ा युद्ध चल रहा है उस वल भी उन्होंने रुख किया। उन्होंने कहना है कि इस नूं रोकण दी जिहड़ी बहुत ज़्यादा जरूरत है। उधर चोन कमिश्नर की नियुक्ति ते सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अज कुछ अहम फैसले लए गए ने। सो इस फैसलों का जिहड़ा ममता बैनर्जी दे वल्लों स्वागत किया गया है। उन्हों का कहना है कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है उही साडे लोकतंत्र नूं बचा सकदा है। इसलिए वह उम्मीद करते हैं जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है अगे जिस तरह के भी फैसले देवेगा वह सोच समझ के देवेगा तां कि असीं लोकतंत्र नूं बचा सकीए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के जिहड़े हिंडनबर्ग रिपोर्ट दे नाल जुड़िया मुद्दा है उसते माहिरां दी कमेटी का गठन है जिहड़ा कर दिता है। सो इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप नूं वड्डा लॉस है जिहड़ा पिछले दिन दिता है। सो सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकां दी सुरक्षा ते रेगुलेटरी विधि नाल जुड़े मुद्दे नाल निजिठण दे लई एक कमेटी है जिहड़ी बनाई है जिस विच 6 मैंबर ने जिहड़े वह शामिल किए गए ने। इस दी जिहड़ी रिपोर्ट है वह आने वाले दिनों दे विच पेश करने के लिए आख्या। सो 2 महीनों का जिहड़ा समय है वह रिपोर्ट स्टेटस सौंपन दे लई दिता गया है। सो जेकर गल करिए बेअंत सिंह कतलकांड दी तां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जिहड़ा वह सुरक्षित रख लिया है। सो केंद्र सरकार वल्लों दाखल हलफनामे विच कानून व्यवस्था विगड़न का हवाला जिहड़ा वह दिता गया। उत्थे जिहड़े राजोणा दे वकील ने उन्होंने कहा कि बंब धमाके च बेअंत सिंह की मौत हो गई सी। सो मामले च July 2007 सज़ा जिहड़ी वह सुनाई गई सी ते 2010 सज़ा जिहड़ी बरकरार हाई कोर्ट ने भी रखी सी। सो तुहानूं दस दईए कि 27 सालों तो जिहड़े वह राजोणा जेल च बंद ने ते जिस तरह फैसला सुरक्षित रख्या गया ते आने वाले दिनों च फैसला जिहड़ा वह सुनाया जा सकता है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों अज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल दिल्ली च उन्हां दी रिहायश ते मुलाकात है जिहड़ी उह कीती गई है। सो अजनाला हिंसा दे समेत बहुत सारे पंजाब दे मुद्दे ने जिहड़े इस मीटिंग दे विच विचारे गए ने। जिहड़े पाकिस्तान तो ड्रोन ते नशा तस्करी हो रही है उसके बारे भी चर्चा जिहड़ी अमित शाह दे नाल कीती गई है। सो मुख्यमंत्री ने यह भी मंग की है कि जिहड़ी सरहदी सुरक्षा है उसनूं होर ज़्यादा मजबूत है जिहड़ा उह कीता जावे। उधर पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों के जिहड़े मंत्री ने कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को केंद्र के कोलों मांग की है कि अमृतसर के शहीद भगत सिंह जिहड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मोहाली का जिहड़ा अमृतसर का हवाई अड्डा उन्होंने दोवां नूं कैनेडा ते अमरीकी शहरां दे नाल जोड़िया जाए। इस दे लई जिहड़ियां उड़ानां ने उन्हां नूं जल्द तो जल्द है जिहड़ा शुरू किया जाए तां कि आने वाले समय दे विच जिहड़े भी पंजाब ट्रैवल करना चाहुंदे ने NRI उन्हां नूं समस्यावां दा सामना जिहड़ा उह ना करना पवे। सो पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़ी अपील है उह धालीवाल हुणां दे ज़रिए है जिहड़ी उह सेंटर गौरमेंट तक पहुँचाई गई है। उधर दूजे पासे कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसानी अंदोलन दौरान शहीद होए किसानां दे परिवारक मैंबरां नूं नियुक्ति पत्र ने जिहड़े दित्ते ने। सो 4 परिवारक मैंबरां नूं जिहड़ी नौकरी है उह दित्ती गई है। सो अपने वादे नूं पूरे करदिआं पंजाब वासियां दे नाल जिहड़ा उन्होंने कीता सी उस दे तहत जिहड़ी इह नौकरियां ने उह दित्तियां गईआं ने। उधर 5 मार्च नूं प्रिंसीपलां दा जिहड़ा दूजा बैच है उह सिंगापुर विखे नैशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन च विदेशी सिखलाई लैण लई जिहड़ा रवाना होवेगा। सो इस बार दे बैच दे विच 30 प्रिंसीपल ने जिहड़े उह सिंगापुर ट्रेनिंग लैण लई जाणगे जो कि 5 तों 11 मार्च तक होएगी। उधर जेकर गल नशा तस्करी की करिए तो इस समय पूरे इंडिया के नशा तस्करी है जी वड्डा मुद्दा बनया हुआ है।
ਸੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।